स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रावस्था साम्य यानी फेज इक्विलिब्रियम में वन कंपोनेंट सिस्टम में हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम सल्फर सिस्टम के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। सल्फर होती है हमारी दो क्रिस्टलीय अपर रूप यानी एलोटॉपिक फॉर्म में पाई जाती है। दोनों ही रूपों में गंधक क्रिस्टलीय अवस्था में होती है। तो एक को हम एकांताक्ष गंधक यानी मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे SM द्वारा प्रदर्शित करेंगे। दूसरे को हम विषम लंबाक्ष गंधक यानी रोम्बिक सल्फर SR के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों गंधक 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम्य अवस्था में रहती है। इसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। 95.6 डिग्री से नीचे जो हमारी होती है रोम्बिक सल्फर और 95.6 डिग्री से ऊपर मोनोक्लिनिक गंधक स्थायी अवस्था में रहती है। जो रोम्बिक सल्फर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एक वायुमंडलीय दाब पर 144 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मोनोक्लिनिक गंधक है उसका हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और लगभग जब गंधक को हम गर्म करते हैं तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह द्रव पर उबलने लगती है और वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार गंधक के हमारे पास लगभग चार अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें दो ठोस हैं, एक द्रव है और गैस है। ठोस अवस्था है उसको हम एक को रोम्बिक सल्फर SR से प्रदर्शित करेंगे। एक ठोस अवस्था है मोनोक्लिनिक गंधक, जिसे हम SM से प्रदर्शित करेंगे। द्रव अवस्था में जो गंधक है उसे हम SL से प्रदर्शित करेंगे, और जो वाष्प अवस्था में गंधक है उसे हम SV से प्रदर्शित करेंगे। अब चारों अवस्था में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, इसलिए इसको हम मोनो कंपोनेंट सिस्टम कहेंगे। और इसकी जो फेज है टोटल हमारे पास हम जानते हैं कि चार है। तो चार के अकॉर्डिंग अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो यह क्या आएगी -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चारों अवस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में न रहकर लगभग तीन अवस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में मैक्सिमम रह सकती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे वक्र देखते हैं। इसमें हमारे पास जो वक्र है, एक तो हमें सबसे पहले इसके अंदर हमने वक्र देखे, वक्र और वक्रों से घिरा हुआ एरियाज, और तीसरा हमारे पास पॉइंट है इसके अंदर जो जिसको हम बोलेंगे हमारा ट्रिपलेट, जो कि हम ट्रिपलेट बिंदु त्रिक बिंदु जो कि हम सभी में अध्ययन करते हैं। जो हमारे पास वक्र हैं हम देख सकते हैं वक्र कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास। ये देखिए FA AB BE, उसके बाद ये AC CD। तो यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक वक्र पर हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रावस्थाएं ताप और दाब पर से प्रदर्शित करनी पड़ेंगे। हम यहाँ इस टेबल से देखते हैं जितने भी वक्र हमारे पास में, ये देखिए उन सभी वक्रों में दो अवस्थाएं साम्य अवस्था में हैं। तो कंपोनेंट हम जानते हैं कि सब में सल्फर है इसलिए 1, फेज हमारे पास 2 हो गई, प्लस का 2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे वेरिएबल है इसके अंदर एक यानी ताप या दाब में से
एक वेरिएबल इसमें काम में आएगा। तो ये तो हमारे पास क्या है, टू कंपोनेंट सिस्टम हुआ हमारे पास में। इसके अलावा जो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है हमारे पास में, जैसे एक क्षेत्र पूरा ये, दूसरा क्षेत्र इसके बीच में, ये तीसरा क्षेत्र और ये चौथा क्षेत्र, जितने भी एरियाज हैं हमारे पास में उन सभी एरिया में हमारे पास जो, जैसे एक तो एरिया हमारे पास एफ ए सी डी के लेफ्ट की ओर है, दूसरा ए बी बी सी और ए सी, यानी जो बीच का भाग है वह, और तीसरा हमारे पास ई बी सी डी, जहाँ पर कि लिक्विड पार्ट है हमारे पास, ये देखिए और चौथा पार्ट हमारे पास ये वेपर वाला पार्ट, जो कि एफ ए बी ई के नीचे वाला पार्ट है। इस प्रकार चार हमारे पास ये एरियाज हो गए। इन एरियाज में हमारे पता है जब हम इस सिस्टम का अध्ययन करेंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट है हम जानते हैं वन है, फेज सबकी वन है, क्योंकि अगर सॉलिड एरिया के बारे में देखते तो वहाँ सभी पूरा एरिया सॉलिड है, तो फेज़ क्या है, सॉलिड रही। लिक्विड पोर्शन में जाते हैं तो फेज़ हमारे पास लिक्विड रही, तो फेज़ वन होगी। और टू प्लस टू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस एरिया को प्रदर्शित करने के लिए हमें ताप और दाब दो वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जितने भी हमारे पास वक्र है वहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट तो सब में वन है, फेज हमारे पास टू रहेगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वन। और जितने भी एरियाज हैं, फेज तो वन है ही, कंपोनेंट तो वन है ही हमारे पास, फेज भी वहाँ वन रहेगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास, यानी जो वेरिएबल्स हमारे पास क्या बन जाएगा, टू एरियाज में, यानी यहाँ पे द्विचर तंत्र के समान कार्य करता है ये। और तीसरा पार्ट है हमारे पास ट्रिपल अवस्था, ट्रिपलेट पॉइंट, और इस तरह के हमारे पास ट्रिपल पॉइंट के लिए हमारे पास देखिए एक पॉइंट है हमारे पास ए, एक पॉइंट है हमारे पास बी, एक ये सी, ए बी सी, और एक है हमारे पास ये ओ। चार हमारे पास ट्रिपलेट पॉइंट है। इन इन जो चारों बिंदु पर लगभग तीन तीन प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रहेगी, तीन तीन प्रावस्थाएं हमारे पास साम्यावस्था में रहेगी। इसीलिए जब इस नियम को अप्लाई करते हैं फेज रूम में, कंपोनेंट हमारे पास वन है और फेज लगभग तीन तीन एक साथ साम्यावस्था में है, तो वन माइनस थ्री प्लस टू यानी कि ज़ीरो, यानी एक नॉन वेरिएबल यानी अचर सिस्टम है। हम स्वेच्छा से यहाँ पे ताप और की वैल्यू निर्धारित नहीं कर सकते, ये निश्चित होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हम कर्व की स्थिति देखते हैं। कर्व की स्थिति देखिए, यहाँ पर ये है सब्लिमेशन कर्व, यह है हमारे पास सब्लिमेशन कर्व,
इसमें जो है हमारे पास सॉलिड और वेपर अवस्था साम्यावस्था में रहेगी। तो यहाँ पर फेज कितनी हुई, 2 हुई हमारे पास में। और इसी तरह से ये है वेपर प्रेशर कर्व, यहाँ पे हमारे पास है फ्यूज़न कर्व, ये देखिए ये हमारे पास फ्यूज़न कर्व, और ये 95.56 डिग्री से पहले हमारे पास रोम्बिक सल्फर, और 95.6 से ऊपर हमारे पास मोनोक्लिनिक गंधर गंधक स्थायी रूप में हमें गंधक प्राप्त होगी। और 95.6 डिग्री पर ये इन दोनों का क्या बीच का ट्रांजिशन टेम्परेचर है, संक्रमण अवस्था है, दोनों के बीच में यहाँ पे साम्य रहता है। तो वक्त तो हमारे पास इसके अंदर एफ ए ए बी बी ई ए सी बी सी तथा सी डी हैं, जिनके बीच में हमारे पास 2 प्रावस्थाएँ हैं और ये मोनोवेरिएबल है। ये जो यहाँ पर सब्लिमेशन कर्व एस आर और एस वी साम्यावस्था में है, उसके बाद ये जो सब्लिमेशन कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास रोम्बिक सल्फर के लिए, क्योंकि ये 95.6 डिग्री से कम है। दूसरा सप्लीमेशन जो कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास मोनोक्लिनिक गंधक के लिए है, ये 95.6 डिग्री से ऊपर है, ये भी मोनो वेरिएबल सिस्टम है। उसके बाद जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब, ये मोनोक्लिनिक गंधक के लिए, जिसमें लिक्विड SL और SV के बीच में साम्यावस्था रहेगी हमारे पास में। AC उसके बाद जो AC है हमारे पास, AC हमारे पास में जो रोम्बिक सल्फर है और मोनोक्लिनिक सल्फर है, दोनों के बीच का संक्रमण वक्र है, ये भी मोनो वेरिएबल सिस्टम का पार्ट है। जो इस वक्र का झुकाव है, वो ये इससे ये कहा जा सकता है कि दाब बढ़ाने पर संक्रमण ताप बढ़ता है, अर्थात जो रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में बदलने पर आयतन में वृद्धि होती है। उसके बाद जो हमारा वक्र BC है हमारे पास, बी और सी, ये मोनोक्लिनिक का है, उसका गलन वक्र यानी फ्यूजन वक्र कहेंगे हम इसको, यहाँ पर जो SM है और जो लिक्विड SL लिक्विड अवस्था में जो सल्फर है, ये दोनों साम्य अवस्था में रहती है। उसके बाद जो CD है हमारे पास, सी और डी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सी और ये डी, जो हमारे पास CD है, यह है हमारे पास, ये भी हमारे पास फ्यूजन है वक्र है, लेकिन ये हमारे पास किसका है, रोम्बिक सल्फर का, जहाँ पे जो R रोम्बिक सल्फर और यहाँ पे जो लिक्विड है लिक्विड सल्फर, ये दोनों साम्यावस्थाएं में रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरियाज की। हमारे पास ये 4 एरियाज हैं,
ये फर्स्ट एरिया, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ एरिया। चारों एरिया हमारे पास में ये एक द्विचर तंत्र की भांति व्यवहार करते हैं। और अब हमारे पास है पॉइंट ए, ट्रिपलेट पॉइंट है ए। इस ए पर हमारे पास जो रोम्बिक सल्फर है और मोनोक्लिनिक जो सल्फर है और साथ में जो वेपर एस वी जो वाष्प में सल्फर है, ये तीनों साम्यावस्थाएं में रहती है। और यह हमारे पास एक निश्चित ताप 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब हमारे पास यहाँ रहता है 0.006 mm पर प्राप्त होती है। दूसरा बिंदु जो बी है, यहाँ पर जो हमारे पास ये एस वी और एस एल और ये एस आर, तीनों सल्फर जो है साम्यावस्था में रहेगी। और ये हमारे पास यहाँ पे जो निश्चित ताप है 120 डिग्री का और दाब हमारे पास 0.04 mm का है। तीसरा बिंदु सी, यहाँ पर एस एल और मोनोक्लिनिक गंधक एस एम और साथ में एस आर रोम्बिक सल्फर, तीनों हमारे पास साम्यावस्था में रहेगी। अब हम बात करते हैं मेटास्टेबल पॉइंट की या मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की। यदि हमारे पास जो मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फर को तेज़ी से गर्म करते हैं, ये देखिए तेज़ी से गर्म करने पे क्या हुआ, तो बिंदु ए पर, इस बिंदु ए पर मोनोक्लिनिक गंधक में ट्रांजिशन नहीं होता है क्योंकि गंधक के अणुओं की पुनर्व्यवस्था के लिए समय नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों में जो एस आर है एस वी के साथ साम्यावस्था में नहीं रहती है। साम्यावस्था की शर्तें बिंदुकित वक्र ओ ए, ये जो वक्र है ओ है द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 95.6 से उच्च ताप पर एस आर स्थायी नहीं रह पाती, यानी रोम्बिक सल्फर स्थायी नहीं रह पाती, अतः यह साम्य मेटास्टेबल साम्य है। इसी प्रकार यदि द्रव गंधक को तेजी से ठंडा किया जाए सावधानी पूर्वक, तो बिंदु बी, ये जो बिंदु बी पर द्रव गंधक एसएम में नहीं बदलती बल्कि द्रव अवस्था वाष्प गंधक के साथ साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था की शर्तें बिंदु बी ओ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह साम्य भी मेटास्टेबल साम्य है। इसी प्रकार वक्र सी ओ, ये सी ओ जो है जो रोम्बिक सल्फर का मेटास्टेबल साम्य प्रदर्शित करता है। यानी बिंदु ओ पर हमारे पास ए ओ, बी ओ और सी ओ मिलते हैं, तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था, तीनों में साम्य है। तो ये मेटास्टेबल ट्रिपलेट पॉइंट है, यानी तीन मेटास्टेबल स्टेट के बीच का एक पॉइंट है। यहाँ पे फेज तीन है, कंपोनेंट वन है और एफ कितना है 0, यानी ये नॉन वेरिएबल सिस्टम है, अचर सिस्टम है। जो इसका टेम्परेचर है हमारे पास 114 डिग्री सेंटीग्रेड और जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास इसका 0.03 mm। बिंदु ओ इस दाब पर एस आर का गलनांक है तथा वक्र ओ सी एस आर के गलनांक पर दाब का प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो यह है हमारे पास जो सल्फर सिस्टम है उसकी तीनों अवस्थाओं का एक छोटा सा विवरण है।
जिसके द्वारा हम इस सिस्टम को समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।